नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। कोरोना वायरस के दौर में जहां कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लोगों को राहत दे रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो उनका सम्मान करने के लिए आगे आ रहे हैं। एक ऐसी ही कहानी दमोह से है, जहां पर एक बच्ची द्वारा अपना जन्मदिन कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। दमोह जिले के शहर की ओजस्वनी स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा वैशाली कुशवाहा ने अपनी मां, जो कि जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के तौर पर पदस्थ है, उनके सहयोग से जन्मदिन अलग तरीके से मनाने की हट की। वैशाली ने कोरोना योद्धाओं के बीच पहुंचकर जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। खुद कॉलोनी से फूल तोड़े, मालाएं बनाई और पुष्प अलग से तोड़कर रखे, घर पर मिठाई बनाई और फिर ले जाकर कोरोना योद्धा पुलिस जवानों के साथ और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ जन्मदिन मनाया। वैशाली ने अपनी मां भागवती पटेल से जाना कि वह किस तरह से जिला अस्पताल में पहुंचकर मरीजों की सेवा कर रही हैं। उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद जब पुलिस जवानों को भी लोगों की जान बचाने के लिए की जा रही सेवा को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने कोरोना योद्धाओं के साथ मिलकर जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान पुलिस जवानों ने भी वैशाली का जोरदार सम्मान किया और हैप्पी बर्थडे गीत गाकर खुशियां मनाई और भरपूर प्यार भी दिया।